तो यहाँ का व्यू ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर के गुलमर्ग में आ चुके हैं। गुलमर्ग में तो यहाँ पर देखो अभी स्नोफॉल शुरू हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 5:10। महीने पहले हम जब नैनीताल गए थे तो थोड़ी थोड़ी बर्फ थी, यहाँ तो क्विंटलों के हिसाब से बर्फ पड़ी है। पूरी नीचे तक है, अभी और नीचे जाएगा पैर। ये अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए, देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एकदम मेरी तरह। और हाँ, आज है रिपब्लिक डे भी, 26th of January आज, तो आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो दिन काफ़ी बढ़िया आज का, तो जो आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक बढ़िया सी लोकेशन में। तो आज हम जा रहे हैं कनाथल। कनाथल काफ़ी बढ़िया जगह, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जो यहाँ के होंगे लोग जो उन्हें पता होगा कनाथल किधर पड़ता है। क्योंकि कनाथल है ये जो मेन उत्तराखंड का चंबा है, उससे 15 किलोमीटर ऊपर पड़ता है ये। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से कनाथल के लिए। और हाँ, जो आपने नैनीताल सीरीज में सपोर्ट दिखाया, मतलब नेक्स्ट लेवल सपोर्ट था वो, थैंक यू सो मच। जो आपने इतना बढ़िया सपोर्ट दिखाया यार, थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसा हर वीडियो में सपोर्ट दिखाओ तो फिर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो फिर आज के व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, सो लेट्स गो। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए, देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना। अरे बोलो ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी। हल्का हल्का स्नो फॉल हो रखा है यहाँ पे। तो अभी तो सामने यहाँ पे पूरा जाम लग चुका है। अब हमने गाड़ी वहाँ सामने पार्क कर दी है, तो वहाँ से हम पैदल ऊपर जाएंगे। यहाँ पे पहले कुछ खाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे धनौल्टी की तरफ सीधा। तो पहाड़ों में और मैगी ना खाओ फिर तो बात ही क्या है। तो अभी हमने ली है मैगी, है मैगी खाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं यहाँ से। व्यू देखो यहाँ कितना बढ़िया है, मौसम एकदम बारिश का है। अभी हमें चंबा से 15 किलोमीटर ऊपर कनाथल में, तो ये है यहाँ का कुछ व्यू। व्यू कैसा है आपका? बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट बनाया। तो देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पे भी फ्रेश स्नो फॉल हुआ है, काफी बढ़िया लग रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखो बहुत बढ़िया, ये देखो फ्रेश। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से, ये देखो काफी बढ़िया है यहाँ पे। तो यहाँ का व्यू ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर के गुलमर्ग में आ चुके हैं हम। गुलमर्ग में आ गए, बिल्कुल सही बात है। ये देखो स्नो देखो कितना बढ़िया है, एकदम फ्रेश है जिसे बोलते हैं इसका। यहाँ पे इसमें ऐसे करो, मैं उठाता हूँ, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और ये फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश, फ्रेश आइस, हाँ बिल्कुल फ्रेश। तो ये देखो किसी छोटे बच्चे ने पैर रखे हैं यहाँ पे, खड्डा भी हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा, कोई नीचे चले जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से और ऊपर, यहाँ से धनौल्टी का रास्ता निकलता है, तो वहाँ पे चलते हैं, आप देखते हैं कैसा होता है फिर। बिल्कुल भाई मजा आ रहा, नहीं आ रहा, चलो चलते हैं। मैंने जैकेट उतार दी थी यहाँ पे, तो पूरी आई ब्लाइंडनेस हो रही है बिल्कुल, मतलब बिना चश्मे के पे खड़े हो ना तो आंखें ऐसी हो रही है एकदम अजीब सी। जब जैकेट बड़ा कुछ उठाते हो, चलते हैं ऊपर जा रहे हैं। हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे पहले पूरा जाम ही लगा था, ऊपर जा रहे हैं, हम देखते हैं ऊपर, वहाँ पे चलते हैं ऊपर। तो नॉट दे आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुनेना। देखो गमलों में भी पूरी बर्फ बर्फ हो चुकी है, ये देखो प्लांट्स पूरे मतलब बर्फ से ढक चुके हैं, गमलों के अंदर पूरी पड़ चुकी है बर्फ। यहाँ पर देखो पूरा जाम लग चुका है। अब कैसा हो रहा है यहाँ पे? मस्त हो रहा है। अभी एक महीने पहले हम जब नैनीताल गए थे तो धड़ी धड़ी बर्फ थी, यहाँ तो क्विंटलों के हिसाब से बर्फ पड़ी है। यहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी है, देखो सामने है। ये देखो ये पूरी स्नोफॉल हो रखा है, ये सुबह सुबह हुआ था स्नोफॉल, ये थोड़ा सा सुबह हुआ था, हाँ बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे देखो ब्लैक आइस जमनी शुरू हो चुकी है, जो गाड़ियाँ मतलब फंस रही हैं यहाँ पे। ये देखो गाड़ी नहीं निकल पा रही है इनकी, टायर मतलब पीछे से पूरा देखो, ये तो ये पूरे टायर घिस रहे हैं यहाँ पे। तो रास्ते आगे पूरे बंद हो चुके हैं, तो जेसीबी आ गई थी जिसने पूरे रास्ते खोल दिए यहाँ पे। देखो स्नोफॉल देखो कितना बढ़िया हो रहा है, स्नोबोर्ड ऑन कर दिया हमने अपनी गाड़ी में। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, गाड़ी बढ़िया चल रही है,
बिल्कुल स्लिप नहीं हो रही है गाड़ी। ये कितना अल्टीमेट व्यू है जिसे बोलते हैं, हम कश्मीर में पहुंच गए मानो। बस इतनी तो हमें नैनीताल में जितनी पास में मिली। अभी हमें यहाँ पे धनौल्टी 10 किलोमीटर्स पहले, और मेरे जो सामने का व्यू है ये देखो, ये सामने पूरी पहाड़ों में बढ़िया करके सफ़ेद चादर है पूरी है। हम अभी थोड़ी देर पहले वहाँ सामने थे, ये यहाँ पर थे हम, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। ओनली सिर्फ 10 किलोमीटर्स बचा है धनौल्टी, अब हम सीधा धनौल्टी चलते हैं। यहाँ पूरी कितनी बढ़िया आइस हो रखी है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर काफ़ी। ये देखो कितना तगड़ा स्नोफॉल हो रखा है ना, ये रुकनी नहीं, रुकनी नहीं। ये देखो जिसे बोलते हैं ना एकदम बेहतरीन स्नोफॉल। पापा कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है, गुलमार्ग में पहुंच गए हम। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे लेह लद्दाख चल दिए। लेह लद्दाख क्रॉस हो गए। अच्छा हमको सिखा रही है। ये देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे सामने किसी ने कॉटन रखे हुए पेड़ के ऊपर, जैसे ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर अल्टीमेट। अब थोड़ा सही हो गया है, नहीं तो रास्ते पीछे पूरे बंद थे। हम यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर देखो कितनी मतलब कम से कम 1 फीट बर्फ है, ये 1 फीट तो नहीं। खैर ये देखो ये पूरी बर्फ ही है, देखो पूरी नीचे तक है, अभी और नीचे जाएगा पैर। ये सामने देखो कितना बढ़िया मतलब व्यू है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। ये देखो पहुंचे सुरकंटा देवी टेंपल में। ये यहाँ का कुछ यहाँ पर भी लोगों ने गाड़ियां बस आ दिया, देखो सामने पूरी ये कट्टे भर के ले आ लेते प्लास्टिक में। अब हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी में। धनौल्टी में बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रखा है और वन वे रोड हो रखा है इस टाइम। मसूरी साइड से बिल्कुल मसूरी साइड से किसी भी टूरिस्ट को आने नहीं दे जा रहा है। और ये देखिए लोग कैसे ठंड का मजा ले रहे हैं, जीरो का टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम। ये आ चुके हैं धनौल्टी की मेन मार्केट, तो बिल्कुल खाली हो रखी है, बिल्कुल एकदम टूरिस्ट को आने दिया जा रहा है। आगे बैरियर लगा रखे ना। और ये देखिए कितना कोहरा इस टाइम और जीरो का टेम्परेचर, सनसेट का टाइम हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर तो लग गया था जाम, हम रुके थे यहाँ पे चाय पीने, काफी बढ़िया लगी इनकी चाय हमें। तो अब वापस से ट्रैफिक फिर से शुरू हो चुका है, वापस से हम गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखो अभी अभी स्नोफॉल शुरू हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 5:10। ये देखो रिसेंटली अभी शुरू हुआ है, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये बाहर का देखो ये तभी जाम लग रखा है, रोक दिया होगा लोगों ने। देखो स्नोफॉल का बिल्कुल भी अनुमान था नहीं, लेकिन अब हो चुकी है, अभी अभी शुरू हुआ है और बहुत ही मजा, बिल्कुल लाइट लाइट होती है, बिल्कुल एकदम हल्की 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 स्नो हो रही है, हल्की हल्की, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। देखो सामने आज तो मजा ही आ गया पूरा। आज हमने पूरे एडवेंचर कर लिया, सब कुछ कर लिया है, स्नो भी देख लिया हमने पीछे काफी, और स्नोफॉल भी शुरू हो गया, रुक गया अब हल्का हल्का हो गया। ये देखो हमने देखो ट्रैफिक जाम हो रखा है इस टाइम, कम से कम 5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है पूरा। ये कम से कम 5 किलोमीटर लंबा जाम है पूरा, ये सामने पूरा, ये पूरा ट्रैफिक जाम लग चुका है। अब काफी स्लो हो चुका है स्नोफॉल, हल्का हल्का हो रहा है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। तो हमें यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, बिल्कुल इसी यही जगह फंसे हुए हम,
कब खुलेगा आप आए? अब खुला है, अब खुल गया, देखो खुला। अभी हमें देहरादून पहुंचने में नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, 8 बजे तक पहुंचेगा। और अभी क्या टाइम हो रहा है? सर टाइम हो रहा है 6:17। हम 8:30 बजे तक पहुंचेंगे। अरे सारी उम्र ना गवा दे, मैं तो वाक्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो